सफाई कर्मचारी संगठन कोड़ा जहानाबाद फतेहपुर वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया गया। नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद फतेहपुर के वर्तमान चेयरमैन मोहम्मद आबिद हसन एवं वाल्मीकि समाज के प्रदेश सचिव डॉक्टर विष्णु स्वरूप वाल्मीकि, जिला महामंत्री सूरज तिलक, जिला अध्यक्ष राम सिंह, जिला उपाध्यक्ष मोतीलाल एवं भागीदारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व भावी सांसद प्रत्याशी की उपस्थिति में मोहम्मद आबिद हसन से दीप प्रज्वलित कराकर माल्यार्पण कराया और वाल्मीकि के किए गए समाज के प्रति योगदान को याद कर पुष्पांजलि अर्पित किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संगठन के द्वारा वर्तमान सरकार द्वारा सभी कर्मचारी को सरकार द्वारा 5,00,000 स्वास्थ्य उपचारण के लिए स्वयं पारिवारिक लाभ देने की घोषणा की, जिसे तत्काल लागू करने की मांग की। सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्ड बनाने की, कर्मचारियों के लिए एसीपी ग्रेड पे का लाभ, एरियर भुगतान, प्रमोशन, सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशन व अन्य भुगतान जैसे पीएफ के पैसों को भुगतान हो, सर्दी में ड्रेस कोड की अन्य सुविधाएं व एक शिफ्ट कर्मचारियों को ड्यूटी देने का ज्ञापन माननीय चेयरमैन आबिद हसन को सौंपा। पेश है एक रिपोर्ट। अरे उसकी सूचना, उसकी जानकारी पहुंचाई जाए। वो कार्यक्रम हर जगह चल रहा है। अब आपके आज इस मार्गदर्शन में हमने बहुत विचार करके कि यहाँ नहीं हो रहा था वाल्मीकि जयंती, तो हमने सोचा कि आपको क्यों ना पुनः इस कार्यक्रम में एक अवसर दें। तो वो अवसर हमने रखते हुए यहाँ पे एक बार मना चुके गए थे हमारे समाज के लोग वाल्मीकि जयंती, उसके बाद लोग ठंडे हो गए थे। तो ये परंपरा हम चाहते हैं कि बना रहे। जरूरी नहीं कि हमारे चेयरमैन रहेंगे या राम सिंह रहेंगे, आप लोग तो हरदम रहेंगे। आप लोग की जिम्मेदारी है कि माँ ऋषि वाल्मीकि जी जयंती मनाए। ये हमारे भगवान है, हमारे पूर्व, यानी कि हम अगर इनको नहीं ध्यान दे सकते, इनकी पहचान को हम दूर तक नहीं ला सकते, तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने एक बात रखी थी कि हमने सभी क्या कहते हैं, आपको अधिकार दिए हैं, हमने पेन दिया है इसलिए कि आगे बढ़ो पीछे मत जाओ। उसी तरह हमारे भगवान ने, आप देख रहे हैं ना, मोर की पंखी से रामायण जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तभी उन्होंने बना दिया था कि राम जी का भविष्यवाणी क्या होगा, कैसे कहां से कहां क्या होगा। अब आप सोच लीजिए कितने विद्वान, कितने ऊंचे हमारे भगवान महर्षि थे। ये ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, शंकर भी है। हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज के कोई भगवान है, तो वहां पे हम सब लोग मनाने के लिए सबको सम्मान दे तो रहे हैं। ये आस्था, ये पूजा आप लोगों से बराबर करते रहे। और हमारे मुख्य अतिथि आबिद हसन जी, पहले इनकी माता जी थी, हम आए थे उस बीच में, पापा जी थे, हमारा उनसे बहुत ही लगाव था, और भाई जी से तो बहुत कम था। फतेहपुर आना जब जीते थे तो मंत्री पद में हमने कहा था कि महोदय जी आप ऐसा जगह की मंत्री पद लीजिए जहाँ पे क्या कहते हैं सही क्या कहते हैं सेवा करने का मौका हो। वो हमारी शायद आपके साथ बात हुई होगी। तो अल्लाह खुदा ने नहीं चाह, अगर खुदा चाहता तो आज भी होते हमारे पापा जी यहाँ पर और कुछ बने होते, हर समाज का उद्धार किए होते। वो नहीं है, मगर पापा जी ने एक आशीर्वाद हमारे भाई जी के ऊपर रख के गए, बाकी आप देखो। अब आप वो हमारे चेयरमैन जी बनकर आए हैं, अब वो देखेंगे किसी प्रकार की कोई जनता का या किसी से। आइए जी 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 आइए भाई साहब, आइए बाबूजी, आ बाबूजी। आप पहले इन कराइए हमारे अध्यक्ष महोदय से, फिर उसके बाद बारी बारी से करवाइए, हम बोलते जाएंगे करवाते जाएंगे। सब ले लिए तो फिर करते जाए। भाई फोटो खींच रहे हैं, दिए चलाना, सेल्फी लेते जाइए भाई, मीडिया प्रभारी कहाँ सब माचिस का।
महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि माला आप लोगों ने छोटा करा दिया, भगवान पे छुप गए। चलिए नीचे रख दीजिए बाबा, ठीक है सर। आप आइए एक बार आगे, यहाँ थोड़ा के एक सामने फोटोग्राफ खींच लो, सामने लीजिए भाई। ऐसे क्यों मीडिया प्रभारी जी फोटो खींच लो। आइए भाई, सफाई भाई कितने हैं यहाँ पर, आगे आ जाओ। वो हमने समय दिया हमारे इतना अनमोल, उनके लिए हमारा छत्ता। अरे नहीं 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 अभी बस आप ये तो आप अध्यक्ष हैं भाई, आप जो है वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष हैं, आपका सम्मान होगा। महामंत्री कौन है आपके मंत्री की, यहाँ की ये है, ये हमारे भागीदारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सपा से। भाई आज हमारा नगर अगर साफ है तो आप सब बड़े सम्भ्रांत व्यक्तियों के द्वारा है। नगर की जो साफ सफाई है, आज हमारा नगर अगर आदर्श के और हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनका भी यही कहना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो समाज पूरे जो समाज के लोग पूरे समस्त समाज की सफाई करते हैं उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उनसे बड़ा महापुरुषों के बाद जो अगर कैटेगरी आती है इंसानों में उसमें सबसे पहला नाम आप समाज की सफाई कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई सम्मान की बात हो ही नहीं सकती है। और महर्षि जी के बारे में जो मैंने पढ़ा वो ये कि बाल अवस्था में इनको एक समुदाय के लोग इनको ले गए, पहले उस समय पे राजा महाराजाओं का समय चलता था तो इनको एक समाज के लोग ले गए और फिर वो शुरुआती जो उनकी बाल अवस्था से लेके जवानी तक की जो एज थी उसमें उनका जो है वो उस समाज जिस समाज में लोग उनको बच्चा समझ के उठा के ले करके गए थे अपने घर में रखा था भाई, जैसे बच्चे उठा ले गए और अपने यहाँ घर में पाला अपने बच्चे की तरह, मगर उस समाज में जिस समाज में वो पल रहे थे उस समाज में क्या नाम है रागीरों के साथ जो है व्यापारियों साथ तमाम काम हो जाते थे, ठीक है। फिर
हर इंसान के जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है, ये सबके साथ आ सकती है। आज हम लड़के हैं, या एक जो महान व्यक्ति होते हैं, जो कह सकते हैं जिनके अंदर ईश्वर का वास होता है, जिनके हृदय में या इनके जिनके मस्तिष्क में, और जिनके अंदर जो है वो काबिलियत होती है कि उनको आने वाले वक्त में इतिहास में उनका नाम जिनका जिनका भी अमर हुआ है, तो वो ऐसे नहीं हुआ है। बाल अवस्था में, लड़कपन में और जवानी तक में वो अपनी जिंदगी के दूसरे व्यायाम में थे, मतलब एक ही जीवन में उनके दो व्यायाम थे। एक व्यायाम में वो एक आम लड़के थे, एक माँ बाप के बच्चे कह सकते हो, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, मगर एक समय आने के बाद जब भगवान को उन्हें कुछ देना होता है, कह सकते हैं कि जिस समय सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसके बाद सिद्धि प्राप्त होने के बाद उसके जीवन का दूसरा समय शुरू होता है। तो ऐसे ही महर्षि जो थे हमारे, तो जब इनके अंदर सिद्धि प्राप्त हो गई, जब इनके अंदर महापुरुष की सारी खूबियां आ गई, उसके बाद ये अपनी कविताओं के माध्यम से, उस समय रेडियो वेडियो का चलन तो था नहीं, और जब लोग जाते थे भी जब जाते थे, और हमारे समाज में भी प्रॉफिट हुए हैं, हमारे हम कई अलग अलग के माध्यम से, शहर की माध्यम से, जिससे लोग अट्रैक्ट हों उनकी आवाज में, मतलब एक हम नॉर्मली बात कर रहे हैं और हम एक गा करके बता रहे हैं, ठीक है, तो अट्रैक्ट की बात को सुन। जैसे महर्षि जी जो थे, हम आपके जो महर्षि जी जो है वाल्मीकि जी, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने कविताओं के माध्यम से रामायण को बताना चालू किया, और इन्होंने इनके इनके द्वारा ही लिखी गई है रामायण, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई है, और इन्होंने कविताओं के माध्यम से वो किरदार जो रामायण के अंदर थे, जिनके ऊपर अब हम आज जाते हैं रामायण को स्टेज में देखते हैं, तो जिन किरदारों को हम लोग देखते हैं, हमारा जो नौजवान बच्चा है वो जब उन किरदारों को स्टेज पे देखता है, तभी तो वो जान पाता है कि जो है रामायण के अंदर कौन कौन कैरेक्टर का क्या क्या रोल है रामायण के अंदर। तो ये अपनी कविताओं के माध्यम से इतनी अच्छी आवाज से लोगों को बताते थे कि लोगों को उनके दिमाग में पिक्चर टाइप बन जाती थी कि अच्छा रामायण में कौन सा किरदार, कौन सा महापुरुष किस तरीके का था और उसका क्या रोल था रामायण में। तो ये भी बहुत बड़ी कला है, हर आदमी के अंदर नहीं थी, तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने लिखा था, इतना बड़ा काम किया उन्होंने कि रामायण के रचयिता है वो, तो इसी वजह से, और सोचिए भगवान ने रामायण के रचयिता के लिए उस समय कितने कितने महापुरुष और महर्षि हुए होंगे दुनिया में, उस समय दुनिया में धरती में उसी टाइम पे जाने कितने महर्षि और मुनि होंगे, मगर महर्षि मुनियों में किसी को भगवान ने नहीं चुना, इनको चुना कि आप ही रामायण लिखेंगे। ये एक तरीके का संदेश है कि जो उसको जातवाद में बांटे हुए हैं, गलतियां हैं, अगर और जिन्होंने जो भी राजनीति नहीं करी, जात की कोई नहीं करी, तो ये बहुत बड़ा है कि भगवान की जी ने इन्होंने कंठस्थ किया और उसको ग्रंथों बनाया, और आज ने युग आप लोगों के लिए, और अपने उस युग में कविताओं के माध्यम से बताते थे, बस यही मुझे जानकारी थी, मैंने सोचा तो थोड़ा और उनके साथ में हमारे सम्मानित लोग सभाई नायक हैं, अनीस जी हैं, जवी जी हैं, जयकरण जी हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और हमारे बाबूजी क्या नाम इनके, तो नाम आपने राघवेंद्र जी का भी स्वागत है। अरे सम्मानित में हमारे बुर्जू की यहाँ पे और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है भाई, किशन जी कहाँ है बाबू जी, ये भाई क्या नहीं है, इधर आइए बाबू जी, अरे इधर आइए आप, इनका भी इस कार्यक्रम में हम स्वागत सम्मान करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में आए मोतीलाल जी, भागीदारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, और ये भागीदारी पार्टी से संसद के प्रत्याशी भी हैं, जिले स्तर में कोशिश है इनकी,
आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ। पैसे में तो बहुत लोग लड़ते हैं, मगर वो बिना पैसा नहीं, सेवा करके आपका जनता की उसमें निकले हुए। हमारे साथ में आए शाहौल जिलाध्यक्ष और जिला कोषाध्यक्ष सज्जन जी और राज बहादुर जी, मीडिया प्रभारी ये चलकर आए, उनका भी मैं। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखे, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत जोरदार से जैसे भी किया, बहुत अच्छा किया गया। आज आप इस मोहल्ले में बैठ जाइए बाबूजी, कुर्सी दो भाई। आज कार्यक्रम में मैं घर घर भी गया था अध्यक्ष महोदय। आज अगर और बड़ा होता तो शायद कि मैं बहुत लंबा चला जाता है, मगर जितने भी हैं हमारी माताओं ने, बच्चों ने सम्मान किया। हो सकता आने वाला समय हमारे बच्चा क्या कहते 10,000 में नौकरी नहीं कर पाएगा, आज हम 50,000 पा रहे हैं। आज सरकार ने इतनी बड़ी क्या कहते बात रख दी है कि 10,000 में ही आपको नौकरी करना है, 10,000 में अपना परिवार कैसे आदमी चला सकता है। हम अपना अकेले तो नहीं चला पाते, जिसके पास 4-5 बच्चे वो कैसे चलाएगा। आज सरकार ने 10,000 में चाहे सफाई का क्रम ले लो, चाहे चतुर्श्रेणी का ले लीजिए, चाहे माली का ले लीजिए, चाहे बिजली का वर्कर का ले लीजिए, चाहे ड्राइवर ले लीजिए, वो क्या 10,000 में नौकरी कर लेगा, क्या वो घर चला लेगा। आज सरकार यहाँ तक क्या कहते गिरा है हमारे मजदूरों को, बेरोजगारों के लिए, कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। आज अगर हमें अभी समय है माँ बाप के पास, अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो आने वाले बच्चों को अपने भविष्य के बारे में ध्यान रखे, जितना हो सके उतना पैसा लगाओ, बच्चे बन जाए जो कि आपका नाम रोशन करे। क्योंकि बच्चे भी उस समय 10,000 की नौकरी में आप परिवार नहीं चला पाएंगे, जो आज हम आप जिस हिसाब से जी रहे हैं, चल रहे हैं। हम इस चीज के बारे में ध्यान रखें, जहां भी काम करें, जहां भी रहें, पहली बार हमारा एक सम्मान की बात है। अब जैसे हमारे कर्मचारी भाइयों में कुछ हो जाती है मनमुटाव, हम ड्यूटी के समय पहले ड्यूटी होती है, उसके बाद खुराफाती होती है। ड्यूटी में आज हमारी किसी कर्मचारी भाई को बुरा लगे या कुछ भी हो, मैं जो कहूंगा सख्त कहूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। हम ड्यूटी में रहे, पहले ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाए और प्रशासन की जो हमारा अधिकारी है उसको क्या कहते सम्मान से नियमानुसार उसका पालन करें, आदेश का पालन करें। हमारी ड्यूटी खत्म होती है उसके बाद आप कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं है, मगर फिर भी हमें आपको संयम में रहना है, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा बच्चा हमारे बदौलत इंतजार करता है, हमारे कारण क्या कहते इंतजार करते हैं। मेरे पापा ड्यूटी करके आएंगे या जहाँ से भी कुछ लेकर आएंगे या क्या कहते तनख्वाह बनेगा तो घर हमारा खुशहाल हंसता खेलता हुआ मीठा लेकर के हम हंसेंगे। हम वहां तक रहे, हमारे समाज में चलता है अगर एक बकरा ना काट दिया जाए, अगर एक क्या कहते माधुरी मान के चलिए जो साठ, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। हमने अध्यक्ष जी से बात रखी है, वो सुधार लाए, वो ड्यूटी की जिम्मेदारी समझे। अगर वो सोचे कि हमें फिर ड्यूटी मिल गई या हमको रखा दिया गया और फिर हम नौटंकी करें तो वहां पे मैं नहीं ना ये कि जिंदगी में कहीं काम नहीं मिल सकता। हम अध्यक्ष जी से अनुरोध भी करेंगे कि वो मौका एक बार उन लोगों को दें, क्योंकि आज मैं उन लोगों के घर गया था जिनके घर में क्या कहते सैदे कमाने वाला कोई नहीं है, जैसे भी है। आज उनने रो के भी मुझे बताया कि भैया जी आज तो मेरे घर आए हैं और बताइए मुझे निकाला कि हमने कहा ठीक है हम आपकी बात रखेंगे, मगर हम उसको बात को समझेंगे भी कहाँ पे क्या समस्या है, कहाँ पे गलत है। आप जब गलतियां दोगे, जब अपने में क्या कहते अपनी कमियां निकालोगे तो राम सिंह क्या कर सकते हैं, हमारे नगर अध्यक्ष महोदय क्या कर सकते हैं, जो चेयरमैन महोदय उनको भी तो सम्मान चाहिए, उनको भी तो लोगों को बताना है। अब आप किसी वार्ड में वहां पे कोई सम्मान नहीं या सभासद है, आप उसके कहने में नहीं काम किए या उनके क्या कहते कहने आना खाने किए तो इन्हीं के पास तो फोन करेगा, इन्हीं को तो कहेंगे, तो वो भी मजबूर हो जाते हैं। उनको कोई शौक नहीं है किसी कर्मचारी को क्या कहते बेधर कर दे या उनके क्या कहते पेट में रोटी मारना। जब दबाव आता है, जब बहुत कुछ लोगों का अगर प्रभाव पड़ता, तभी चेयरमैन हमारे अध्यक्ष महोदय वो